अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मलिक सुहेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तामीर विद सुहेल। व्यूअर्स, आज मैं बजट सीरीज में, सस्ता घर सीरीज में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त घर लेके आऊँ। 10 मरले का ये घर बैरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद के फेज़ 8 में बना हुआ है। 35x70 इसका प्लॉट साइज है। कंस्ट्रक्शन इसकी जो है वो अच्छी मटेरियल यानी कि सॉलिड कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। यहाँ पे आपको डबल यूनिट हाउस मिल रहा है 5 बेडरूम के साथ। नीचे आपको 2 बेडरूम्स मिल रहे हैं, एक लिविंग रूम यानी टीवी लाउंज, इसके अलावा ड्राइंग रूम यहाँ पे अवेलेबल है। ऊपर आपको 3 बेडरूम्स मिल रहे हैं, प्रॉपर 3 बेडरूम के साथ। ऊपर किचन लिविंग रूम अलग से है। रूफ टॉप के ऊपर आपको एक अलहदा से सर्वेंट रूम अलॉन्ग विद वॉशरूम अवेलेबल है। बैरिया टाउन फेज़ 8 का बहुत ज़बरदस्त ये सेक्टर, जहाँ पे आपका स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वो लिटरली 5 मिनट्स की ड्राइव पर आपको मिलते हैं। तो ये घर ब्रांड न्यू घर है, लिटरली यूज़ नहीं किया गया और आस्किंग प्राइस सिर्फ 3 करोड़ 40 लाख रुपया, बैरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद में। मेरे साथ रहिएगा, जल्दी से इसका क्विक टूर करेंगे और आपको एक्सप्लोर कराता हूँ घर का लेआउट किस तरह का है। सबसे पहले अगर आपको मैं बाहर दिखा सकूँ तो ये लॉन पैच आपको मिलता है जहाँ पर आपने गार्डनिंग वगैरह करनी है। ये हाइट लोकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाकी घर जो है उस साइड पर वो नीचे हैं, तो ये हाइट लोकेशन होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ये एरी इलाका है। इस साइड पे अगर आपको मैं दिखा सकूं तो बैक साइड पे आपका मेन बुलेवार्ड जा रहा है। और इस घर की एक और ख़ास बात यह है कि इसकी बैक पे आपको एक्स्ट्रा लैंड मिलती है जहां पे आप अपनी किचन गार्डनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। घर की फ्रंट एलिवेशन की अगर मैं आपको बात करूं तो स्टोन वर्क और टाइल वर्क का बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन राइट हैंड साइड पर आपको मिल रहा है, जहाँ पर आपको डार्क ब्राउन कलर की टाइल दी गई है। इसके अलावा ग्रे कलर का यहाँ स्टोन वर्क किया गया है और बाकी इस एरिया में आपको जो है वो रॉक वॉल का इस्तेमाल मिल रहा है, जहाँ आपको सीएनसी ग्रिल भी नज़र आ रही होगी। और ये आपका टेरेस एरिया है जहाँ पे आप अपनी शाम वगैरह फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इस रैंप में भी आपकी एक गाड़ी पार्क हो सकती है। इसके अलावा जो कार पोर्च है, यहाँ पे आपकी बासानी 2 गाड़ियाँ यहाँ पर भी आप पार्क कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर मोटर एरिया, टैंक एरिया वगैरह, यहाँ भी आप पार्किंग स्पेस रख सकते हैं। बाहर आपको गमले वगैरह नज़र आ रहे हैं आपकी प्लांटेशन वगैरह के लिए, ये ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। एलीवे जहाँ पे आपका लॉन्ड्री एरिया है और यहीं से आपका एक रास्ता किचन को भी जाता है, जो कि आपके मुलाजमीन वगैरह एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेटली। अच्छा जी, डबल यूनिट हाउस है, एंट्रेंस के लिए 2 रास्ते हैं। ये एक मेन रास्ता, यहाँ से जब आप एंटर होते हैं तो ये छोटा सा लॉबी एरिया मिलता है, जिसकी इस बैक साइड पर बहुत ही खूबसूरत स्टोन वर्क इन्होंने किया है। लॉबी एरिया से राइट हैंड साइड पे आप फर्स्ट फ्लोर को चले जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसको फर्स्ट फ्लोर को अलग करके और ग्राउंड फ्लोर को यहाँ पे एक अलग रास्ता दे सकते हैं, अगर किसी ने इसको किराए वगैरह पे लगाना है। यहाँ पे आपको पाउडर रूम एक नीचे दिया गया है। आ जाएं जी जनाब, लॉबी एरिया से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपका लिविंग रूम यानी कि टीवी लाउंज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये है आपका टीवी रूम यानी लिविंग रूम का साइज। यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत वॉलपेपर का इस्तेमाल मिल रहा है, वॉल मोल्ड डिज़ाइन भी आप देख रहे हैं। और दूसरी साइड पे आपको मीडिया वॉल दी गई है अलोंग विद द स्टोरेज एरिया। और यहाँ पे देखिएगा, फीचर्ड वॉल है, ये आपको पैनल्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। इसी टीवी लाउंज के साथ, इन डिवाइडिंग डोर्स के साथ आपने आ जाना है अपने ड्राइंग रूम में। कैमरा मैन भाई इधर से आइएगा। ड्राइंग रूम में ये आपका ड्राइंग रूम स्पेस है जनाब। नीचे आपको 2x2 की टाइल, ऊपर बहुत खूबसूरत एलिगेंट स्टाइल में बना हुआ सीलिंग वर्क मिलता है। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो इस डोर को ओपन कर दें तो ये आप इसको एज अ 1 यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये एरिया बन गया है। अगर आप चाहें तो इसको आप बंद करके अपने गेस्ट वगैरह को प्राइवेसी में भी बिठा सकते हैं। नीचे आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं, एक रूम बिल्कुल लिविंग रूम के साथ है, टीवी लाउंज के साथ। निस्बतन छोटा रूम है ये। ये है जनाब इसका रूम साइज। यहाँ पे क्लोजेट्स इन्होंने वॉशरूम के बाहर दिए हैं। वॉशरूम आपको जल्दी से मैं दिखा दूँ तो वॉशरूम में आपको जनाब मिल रहा है आपका शावर एरिया, कमोड एरिया और राइट साइड पे सिंक एरिया। रूम नंबर 1, आइए जी मेरे साथ, बाकी रूम नंबर 2 भी आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, 10 मरले का घर, प्राइस सिर्फ 3 करोड़ 40 लाख रुपया, ब्रांड न्यू घर। दूसरा रूम जनाब यहाँ पे आपको मिलता है। ये मेन रूम है आपके ग्राउंड फ्लोर का। रूम साइज आप देखिए, वेंटिलेशन विंडो, टाइल वर्क, सीलिंग वर्क इन्होंने बहुत अच्छा दिया है यहाँ पे। ये देखिएगा, यहाँ से जो है वो ऊपर तक आपको सीलिंग वर्क नजर आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने जो आपकी क्लोजेट्स हैं वो आपकी अगेन वॉशरूम से बाहर प्लेस्ड है। और वॉशरूम अगर मैं आपको दिखा सकूँ, शावर एरिया, कमोड एरिया, सिंक एरिया, सिंपल बट वेरी एलिगेंट
ये है जनाब रूम नंबर टू, यहीं से आपका क्लोज्ड किचन आपको दिया गया है। विज क्लोज्ड किचन आजकल दोबारा इन हो रहा है क्योंकि ओपन किचन में हमारे पाकिस्तानी खानों की महक जो है वो पूरे घर में फैल जाती है, तो कई लोगों को स्पेशली कस्टमर्स को ये रिक्वायरमेंट होती है कि जी हमें क्लोज किचन दे, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये घर जहाँ पे आपको क्लोज किचन मिल रहा है। नीचे डिफरेंट टाइप ऑफ टाइल इन्होंने यूज़ किया है, आपको यहाँ पे हुड मिल रहा है, होब आपको यहाँ पे अवेलेबल है, किचन कैबिनेट्स अच्छे नंबर्स में दी गई हैं ताकि आप यहाँ पे अपनी जो है वो सोडा सेल्फ स्टोर कर सकें। ये आपका सिंक एरिया, वेंटिलेशन विंडो और इसके अलावा आपको माइक्रोवेव वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये तो था आपका किचन। ये जो आप छोटा सी जगह देख रहे हैं इसको अपना डाइनिंग बना सकते हैं, यहीं पे आप डाइनिंग करेंगे फैमिली के साथ। तो व्यूअर्स, ग्राउंड फ्लोर पे आपको ये बहुत जबरदस्त किस्म का लिविंग रूम, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम मिल रहा है। इसके अलावा क्लोज किचन, दो बेडरूम्स अवेलेबल है। फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन तीन बेडरूम के साथ है। आए देखते हैं फर्स्ट फ्लोर को। व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर पे जब आप स्टेयर्स के थ्रू आते हैं तो सबसे पहले ये छोटू सा लॉबी एरिया है, यहाँ से आपको एक रूम सबसे पहले मिलेगा राइट हैंड साइड पे। ये रूम एग्जैक्ट सेम है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ था रूम, ऑलमोस्ट डायमेंशन भी वही दिए हैं इन्होंने। ये रूम साइज है, क्लोजेट्स आपको मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको आपका वॉशरूम अवेलेबल है, शावर एरिया, कमोड एरिया, सिंक एरिया के साथ। ये है रूम नंबर वन। आए मेरे साथ रूम नंबर टू जो कि आपका मास्टर बेडरूम भी हो सकता है। ये है जनाब आपका रूम नंबर टू। ये नीचे आपके ड्राइंग रूम की जगह ले रहा है, यहाँ से आपका फ्रंट व्यू बहुत ज़बरदस्त आपको मिल रहा है। इसके अलावा ये ज़रा वॉल पे डिज़ाइन देखिए, फीचर्ड वॉल इन्होंने यहाँ पे दी है, ये ज़रा देखिएगा, ये वॉलपेपर के साथ ये फीचर्ड वॉल। क्लोजेट एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, वॉशरूम दिखा दें जी जल्दी से, कमोड एरिया, सिंक एरिया और शॉवर एरिया के साथ। और यहीं से व्यूज सबसे ज़बरदस्त चीज़ इस रूम की वो है जनाब यहाँ का टेरेस एरिया। मेरे साथ आए जल्दी से टेरेस एरिया देख लेते हैं। इस घर में डबल टेरेस दिया गया, यानी कि एक टेरेस आपको यहाँ नीचे मिल रहा है जहाँ से आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आपको मिलेगा, और ऊपर भी आपका एक छोटा टेरेस मिल रहा है। ये देखिए जी, यहाँ से आपकी बैक साइड पे मेन बुलेवार्ड जा रहा है और बैक साइड पे आपको वो लैंड अवेलेबल है जिसे आप अपने किचन गार्डनिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। वापस आए जी, ये तो था आपका डबल टेरेस। ये रूम नंबर टू ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, और अब हम देखेंगे यहाँ का लिविंग रूम। ये है जी लिविंग रूम, यानी कि टीवी लाउंज, जहाँ पे आपको मीडिया वॉल इस साइड पे दी गई है, यहाँ पे आपको वॉलपेपर का इस्तेमाल मिल रहा है बैक साइड पे। इसके अलावा मीडिया वॉल के लिए यहाँ पे स्टोरेज एरिया भी आपको दिया गया है, इस साइड पे भी आपको मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में बना हुआ ये वॉलपेपर, और नीच एरिया भी इन्होंने यहाँ पे दिया है जो कि इफ आई कैन टर्न ऑन द लाइट्स, ये आपका नीच एरिया, ये आपका लिविंग रूम है जनाब ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, बाकी जो दो किचन और एक रूम एग्जैक्टली सेम है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे था। आज देख लेते हैं जी रूम नंबर थ्री ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। आपकी वेंटिलेशन विंडो, रूम साइज देख लीजिए, यहाँ पे भी नीच एरिया आपको अवेलेबल है, क्लोजेट्स आपको यहाँ मिल रही हैं, और वॉशरूम आपका राइट हैंड साइड पे। किचन को जल्दी से देखें जी, व्यूज किचन एग्जैक्ट सेम साइज है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे दिया गया है, क्लोज किचन है, यहाँ पे टाइल थोड़ा डिफरेंट यूज की गई है, और ये आपको जो है मार्बल का टॉप मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो स्टोव और हुड वगैरह अवेलेबल नहीं है, इसी तरह राइट साइड पे आपको सिंक एरिया वगैरह भी अभी नहीं दिया गया, लेकिन ये सारा कुछ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वेंटिलेशन विंडो, और ये डोर आपको बाहर अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये आप देख सकेंगे, बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये व्यू आपको मिलेगा जनाब बहरिया टाउन फेज 8 का। तो व्यूज ये था हमारा इस 10 मल्ला 35x70 हाउस का क्विक वीडियो टूर जो कि आपको मिल रहा है सिर्फ 3,40,00,000 रुपए में। फर्स्ट फ्लोर में आपको तीन बेडरूम्स मिलते हैं, लिविंग रूम मिलता है, क्लोज किचन मिलता है। ये स्टेयरकेस आपको ऊपर रूफटॉप पे लेके जाता है जहाँ पे आपका सर्वेंट रूम अलोंग विद वॉशरूम भी मिल रहा है। वेरी
इकोनॉमिकल प्राइस 10 मरले का घर 3 करोड़ 40 लाख रुपए की आस्किंग में। अगर आप हमारे थ्रू विजिट करते हैं तो हम इसको आपको मजीद रेट में कमी करवा के दे सकते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, गिव मी अ कॉल, स्केड्यूल अ विजिट और इंशाल्लाह यू कैन बिकम द नेक्स्ट ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल हाउस। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इसके अलावा वीडियोस शेयर कर लिया करें और कमेंट्स में बताया करें आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। मलिक सोहेल को बहरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद के फेज़ 8 से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।